यहाँ पे जो है आज अंकल आंटी आए हैं, तो यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं सभी। तो यहाँ पे सफाई चल रहा था, तो यहाँ पे जो पुदीना का चारा है यानी इसका चटनी खाते हैं हम लोग ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही हुआ है यहाँ पे। और बहुत सारा जो कट गया यहाँ पे, बैगन का चारा जो हुआ है यहाँ पे, ओ काकरोल बोलते हैं। और रात का तूफान दिया था, तो यहाँ पे जो है डालिम घास जो है बहुत झुक गया, तो यहाँ पे डालिम में अभी से कीड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे मेडिसिन देना पड़ेगा। और यहाँ पे मर्चा, तो यहाँ पे फ्लावर आ गया है, इसका फूल जो है मतलब निकल चुका है, तो अभी फूटेगा पता नहीं कौन सा यहाँ पे फ्लावर है। ऐसा सफाई चल रहा है अभी, तो बारिश का दिन है और सारा कपड़ा जो है धो के डाला था, और भी बहुत सारा कपड़ा अंदर है, डर के मारे निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि बारिश का सीज़न है, कब बारिश आ रहा है फिर दुकाना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो है अंकल अभी साफ कर रहे हैं, और यहाँ पे सारा जबड़ा, तो अभी भी इधर भी कपड़ा सूख रहा है, और यहाँ पे आंटी लगी पड़ी है काम करने पर। यहाँ पे जंगल अभी भी ये सब साफ होगा, उधर तो बहुत सारा साफ हो चुका है, यहाँ पे अभी और साफ होगा। और तालाब में आप लोग देखो पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी, तो तालाब में पानी भी हो चुका है अभी, तालाब का साइड भी जो है साफ होगा। और आज मणिपुरी का सजीव हुआ है, तो हैप्पी सजीव ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग का है पहला बैशाख, मतलब कल जो होता है दुकान में, जिसका भी दुकान में होता है। और यहाँ पे भी आंटी लगी पड़ी है। मासी भूख लगा लगता, तो यहाँ पे पूरा जो गीला गीला हुआ पड़ा है, तो आज मैंने यहाँ पे वहाँ पे जंगल सफा हो रहा है बोल के मैंने यहाँ पे क्या किया, टोमेटो जो था मेरा फेंकने में माया लग रहा था, इसमें फ्लावर आ चुका है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा लगाया है, यहाँ पे फ्लावर है, तारा गेंदा जो है यहाँ पे लगा दिया, और भी लगाया यहाँ पे डाला के मैंने नींबू का पेड़ लगाया यहाँ पे, तो उधर था बहुत दिन से, एक्चुअली मैंने सोच रही थी स्कूल बंद होने से लगाऊंगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नींबू एक छोटा सा निकला है, तो यहाँ पे इसको नींबू को ला कर लगाया है। और यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर अभी भी लगाया जो पे साफ़ हो रहा है बोल के, तो यहाँ पे जो है वाइट पेपर, रेड पेपर, पिंक पेपर, येलो पेपर, तो यहाँ पे जब फूलेगा तो एक लाइन से जो है आप लोग देखो जो छोटे छोटे तारा दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पे कुछ कुछ खिला भी है, तो ये बड़ा होकर खिलेगा बहुत अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे लगाया है मैंने। तो ये पूरा गीला है मिट्टी, इधर आने से जो है पेड़ पूरा घुस जा रहा है मिट्टी के अंदर, बहुत गीला है। और वेदर देख रहे हो अभी भी बारिश बारिश करके रखा है, मतलब कब अचानक से बारिश आ रहा है, रुक रहा है, फिर जा रहा है, पूरा वेदर जो है अभी का। तो यहाँ पे मासी लोग लगे पड़े हैं काम करने के, तो उन लोग को अभी खाना दूंगी, चाय दे दिया था मैंने ऑलमोस्ट पहले ही। तो यहाँ पे फ्लावर देखो, गाछ में अभी भी फ्लावर है बहुत सारा, अच्छा लगता है ना गाछ में अभी फ्लावर हो। तो यहाँ पे अभी मासी सफा कर रही है, मासी देखो देखो इधर देखो, हाय बोलो हाय बोलो, हाय मासी अच्छी है, अंकल भी। तो यहाँ पे बहुत सारा साफ हो रहा है, जंगल भी देख रहे हो कितना जंगल हुआ था, तो ये साफ नहीं होने से क्या होता है, बहुत तो मच्छर बहुत प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे फ्लावर एक ये वाला फ्लावर जो है बहुत बड़ा पेड़ होता है, पर लाल फ्लावर जो है फूटता है यहाँ पे, तो ये है पूरा। तो ये स्कूल का यूनिफॉर्म जो है सारा धो के रखा है यहाँ पे, और कुआं में जो पानी है बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी, और उसका पाइप भी जो है मैंने कल चेंज किया था, क्योंकि पाइप चेंज नहीं करने से नहीं होता, क्योंकि पाइप फटने की वजह से पानी जो है बहुत लीक होता था। तो इधर भी बहुत सारा फ्लावर है अभी भी, तो यहाँ पे भी कुछ टोमेटो और बैंगन है, तो उसको भी ठीक करना है। और ये जो पूरा अभी का, तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा काम। यहाँ पे कुछ गाछ पुदीना बचा है, ये वाला है गाछ पुदीना, इसका पत्ता जो है चटनी खाने से बहुत अच्छा लगता है, स्मेल ही बहुत अच्छा होता है, एक लगाया था तो पूरा भर गया था। और यहाँ पे है कमीनी या कुछ है, ये एक्चुअली मैं नाम भूल जाती हूँ सच्ची में, मैं बहुत भुलक्कर हूँ, तो मुझे अभी डालिम गाछ का टेंशन है। यहाँ पे है अंकल, मासी लगी पड़ी है अभी भी काम जो है कर रही है। नारियल का हाल देखो, सिर ऊपर से नारियल जो है स्कॉयलर जो होता है नेओल या कुछ बोलते हैं, वो खा खा कर देखो सारा नारियल जो है एक दो एकड़ के सारा नारियल जो है गाछ से गिरा रहा है। और यहाँ पे मासी जो सफाई कर रही है, मासी आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा,
हाँ मासी की मम्मी जो है हमेशा से स्माइल रहता है, जब कुछ भी पूछे रह जाएगा ना वो। कल कर लो फिर, हाथ धो लो फिर खाना खा लोगे। तो यहाँ पे पाइप है, सब बहुत सारा सामान है यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी लकड़ी रखा हुआ है, इसको भी हटा कर साफ करना पड़ेगा। फिर जो है मासी लोग बगान करेंगे यहाँ पे, है ना मासी? बगान करके सब्जी खिलाओगे ना? सच्ची में देखो तो यहाँ पे है मासी काम कर रही है, और सभी का घर में खाना हो चुका है। अभी मैं भी जा रहा हूँ खा, इन लोग मासी लोग को खाना देके मैं भी खाऊंगी, भूख लगा है बहुत जोर से। और यहाँ पे जो अभी का वेदर, थोड़ा थोड़ा सनलाइट आ रहा है, फिर बारिश भी आ रहा है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माई ब्लॉग तनों की छोटी सी दुनिया। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग सोच रहे हैं कहाँ जा रही हूँ, थोड़ा हमें सामान लाना है क्योंकि कल जो है पहला बैसाख है और आज है सजीवू मणिपुरी। लोग जितने भी हैं 5 दिन तक सजीवू मनाते हैं, और तरह तरह के खाना पकवान जो है बनता है, और इस घर से उस घर मतलब जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब लेके देते हैं पड़ोसी में मतलब होता है। तो हम लोग का जो है कल बनेगा, और आज जो है अंकल पड़ोसी में जो है अंकल है डॉक्टर अंकल, उनके घर पे बना था, तो उन्होंने ला के दिया था, बहुत सारा खाना बहुत टेस्टी था। तो कल हम लोग का बनेगा, गणेश पूजा भी है तो कल हम लोग का बनेगा, तो हम लोग का दिया जाएगा। तो अभी जो है सामान लेने जाना है कुछ थोड़ा बहुत, और बच्चों का स्कूल जो है 4-5 दिन के लिए बंद दिया है, 4 डेज़ का एक्चुअली, थर्सडे फ्राइडे तो बंद है, और सैटरडे संडे ऐसे भी ऑफ होता है। तो वो लोग बहुत खुश हैं, तो पढ़ाई तो चल ही रहा है, और अभी वो लोग मस्ती कर रहे हैं। मैंने बोला थोड़ा रुको, मैं नानी घर से आती हूँ, उन लोग को उल्लू बनाया। बोला मम्मा क्यों जा रही हूँ, हम लोग का भी बंद है तो हम लोग को भी लेके जाओ। मैंने कहा नहीं तो अपने घर पर रहो, मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। तो बोल रहे नहीं नहीं हम लोग भी जाएंगे। तो खाना कौन पकाएगा? मैंने बोला फ्रिज में मैंने बहुत सारा खाना पका के रख दिया है, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। फिर बोल रहे नहीं मम्मा मत जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, थोड़ा बाजार जा रही हूँ। बोले हाँ हम लोग को उल्लू बना रही है, तो अभी मैं जाऊँगी बाजार। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लक्टर, और हम लोग आज जो है स्कूटी से जा रहे हैं, और बाबू जो है ड्राइव कर रहे हैं आज, वो भी बिना हेलमेट का। बहुत सारा फेस्टिवल है बंगाली का भी, मणिपुरी का भी, हम सभी का है। तो सभी अपने अपने घर में जो है भोजन अच्छे अच्छा भोजन बनाएंगे और खाएंगे। दुकान पार्टी बहुत सारा बंद ही है, आई होप मैं जहाँ जा रही हूँ खुला हो। गाड़ी भी बहुत कम है आज। तो सब में और यहाँ पे भैया दादा शुभ नववर्ष हो कुछ बोल दो। আগামী অগ্রিম সবাইকে শুভ নববর্ষ জানাচ্ছি। আগামী বছর সবাই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুস্থ থাকুন। একটু একটু বাঙালি শিখলি শুনানি। তো ইয়াহ পে ভাইয়া না জো দোকান কা পুরা লুক জো চেঞ্জ কর লিয়া, ইয়াহ পে কেস কাউন্টার জো পিছে থা ও ইয়াহ পে আ গয়া ওর ইয়াহ পে। तो आप लोग भी जब भी चाहिए कॉस्मेटिक का, ब्राइडल का, बर्थडे का, पार्टी का कुछ भी सामान जो है यहाँ से ले सकते हो। बहुत सुंदर से डेकोरेट किया है। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे जो चाहिए था तो अभी तो फिलहाल नहीं, एक दो दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा गिफ्ट का सामान भी है। और अभी मैं एक्चुअली बाजार में आई थी, तो भैया ने बोला कैसा लग रहा है लुक, तो चलो मैंने कहा चलो चलो छोटा सा वीडियो कर लेते हैं। तो अच्छा ही लगा, बहुत सुंदर से यहाँ पे डेकोरेट करके रखा है। और अभी मुझे बहुत सारा सामान लेना है, पर मैं यहाँ पे दुकान में आके हमेशा भूल जाती हूँ मुझे क्या लेना है ना। क्यों नहीं तो यहाँ पे भैया है, तो हम लोग चलिए फिर से सामान ले लेते हैं। जा रहे हैं बाजार करना, हो चुका है शाम भी हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं घर। और बाबू देखो अभी घर जाके हेलमेट पहन के आया है मुझे लेने के लिए फिर से। तो यहाँ पे जो लोग हैं घूम रहे हैं और बाजार की मतलब कर रहे हैं, तो यहाँ पे
ये छोटा सा बाजार पड़ता है जहाँ पे मणिपुरी लोग पहनते हैं लेके सामान, और आँख में भी कीड़ा घुस गया देखो। और ये हम लोग का रास्ता, तो सभी मणिपुरी जितने भी हैं सभी लोग घूम रहे हैं सजीवों के लिए। अभी आ चुकी हूँ घर, और घर आके सामान रखते ही ये लोग आकर दो कह मम्मा क्या क्या लाए, तो ये है सामान कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पंपकिन मिला है, बहुत प्यारा सा पंपकिन मिला है मुझे, बहुत क्यूट है। एक्चुअली ये पहाड़ी है तो खाने में बहुत टेस्टी होता है। और अभी जो है सामान खरीदना खत्म हो चुका है, इन लोगों को देखी खुशी। और आँख में एक्चुअली स्कूटी में तो आँख में कुछ कीड़ा घुस गया था, बहुत जलन हो रहा है अभी भी, तो उसमें ठंडा पानी दूंगी। तो आज का ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। कल है पहला बैसाख, तो कल बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छा अच्छा खाना जो है पकेगा। तो फिर कल मिलती हूँ, प्लीज़ हमारे वीडियो को जो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट तो है ही प्लीज़। बाय 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 बाय, शेयर करना।